बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। थाना सदर जलालपुर जटा पुलिस की जराय पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कत्ल के मुकदमे में मतलूब दो खतरनाक मुजरम इश्तियारियों समेत हवाई फायरिंग और शराब कशीद करने वाले मुजरम भी गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह की ज़ेरे क़यादत गुजरात पुलिस की जराय पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डीएसपी सदर सर्कल मलक इदनान की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर जलालपुर जटा इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास ने अपनी पुलिस टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए जुनेद अफजल नामी शख्स को कत्ल करने वाले दो खतरनाक मुजरम इश्तियारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में नाजम हुसैन, फयाज हुसैन, सकना कंग, महमदपुर शामिल हैं। मुलजमान थाना सदर जलालपुर जटा पुलिस को कत्ल के मुकदमा नंबर 173/23 में मतलूब थे, जो वारदात के बाद रूपोश हो गए थे, जिनको थाना सदर जलालपुर जटा पुलिस ने पेशावराना महारत और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की मजीद तफ्तीश जारी है। जबकि दूसरी कार्रवाई में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजम अमीर हमजा को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जे से असला नजायज पिस्टल और 30 बोर बरामद कर लिया। मजीद 12 शराब कशीद करने वाला मुलजम भी मोहम्मद कैसर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जे से शराब और लहन भी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।